जय जोहार जय जोहार। अभी आपने कन्हैया कुमार जी से बहुत कुछ सुना, बहुत सारी बातें दोनों ने वो कही जो मैं कहना चाहता था, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, पर मैं हवा की बात भी नहीं करना चाहता हूं। मैं कहां से आता हूं? मैं उस जिले से आता हूं जिसकी आदिवासी आबादी आपके जिले से डबल है। आप जाके देखिएगा इंटरनेट में छिंदवाड़ा जिले की आदिवासी आबादी कितनी है। मेरा गर्व है कि मैंने आदिवासियों के साथ काम किया। मुझे मौका मिला जब मैं जवान था, मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, ये मत सोचिएगा कि मुझे बहुत कुछ समझ आया, बहुत कुछ पहचान में आया। मुझे याद है मैंने कहा था ना, मैं हवा की बात नहीं करूंगा, अपनी बात करूंगा जो मेरा अनुभव है, और आपको गवाह बनाऊंगा। मैं अचलकोट गया था, एक आदिवासी तीर्थ स्थान है, सड़क नहीं थी, हम वहां जीप जाने में, जीप चलती थी तो जीप से डरते थे, जीप पलट ना जाए, पैदल चलते थे, उतर जाते थे जीप से, आएगा जीप पलट जाएगी। वहां मैं गया, आदिवासी महर्षि, रात के 12 बजे थे, मैंने कहा मैं तो चुनाव लड़ रहा हूं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं, ये 79 की बात है, 79 की बात है, मैं चुनाव जीता। सबसे पहले चीज मैंने सड़क बनवाई, मैंने कहा सड़क बनवाऊंगा और तभी मैं जाऊंगा, ये मेरा वचन है। आपने पतालकोट का नाम सुना? पतालकोट का नाम सुना? पतालकोट क्या था छिंदवाड़ा जिले में? कन्हैया कुमार जी ऐसा क्षेत्र था जब 3 घंटे हम पैदल जाया करते थे, वहां जंगली आम की गुठली को सुखाकर हमारे आदिवासी भाई अपने सोचता हमारे इतिहास में। ये चुनाव केवल एक उम्मीदवार का नहीं है, ये चुनाव केवल एक पार्टी का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। इनके पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचाया। भी कह रहे थे ना कैसे रोका, रास्ते में कैसे रोका, पुलिस पैसा और प्रशासन ही बचा है। कर्जा ले लिया 3,30,00,000 रुपए का कर्जा, पढ़ते हैं ना अखबार में, 3,30,00,000 रुपए का कर्जा लिया। मैं तो पूछता हूं इस कर्जे का किया क्या आपने? आपने संविदा वालों को भर्ती किया, आपने बैचलर को भर्ती किया, इन्होंने 3,30,00,000 रुपए के बड़े बड़े ठेके किए। ठेके में एडवांस जाता है ना, उससे अपने पैसे निकाल लो, उससे अपने कमीशन निकाल लो। ये आज हालात है मध्य प्रदेश, और मैं तो आपसे अंत में कहना चाहता हूं, राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख लीजिए, सच्चाई का साथ देना। और आप सच्चाई का साथ देंगे तो आप अपना भविष्य और मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आज ये हमारे सामने चुनौती है, और अगर मुझे किसी समाज पर इतना विश्वास है, इतनी ईमानदार समाज जो आदिवासी समाज है, जो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चली, अब सच्चाई का साथ देगी। सच्चाई का साथ देंगे तो कांग्रेस का झंडा तो लहराएगा, कांग्रेस का झंडा तो मध्य प्रदेश के विधानसभा में लहराएगा, पर मध्य प्रदेश के भविष्य का झंडा भी को मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।